जी रेसिनियो साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, सलाम अलैकुम। वालेकुम रेसिनियो साहब, मुबारक है, पहली बार आप पहले आए। क्विकली मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आप यू नो मेरा वो क्वेश्चन था कि मैं एकेडमिक्स थोड़े बहुत सुन रहा था, इस्लामिक डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं, तो उनमें जो एक 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 एकेडमिक ऐसे कह रहा था कि इस्लाम में भी ये तसव्वुर है कि अल्लाह के पास ऑल नॉलेज नहीं है, लाइक जो फ्यूचर जो होना होता है वो एक्चुअलाइज जब तक नहीं होता उस वक्त तक अल्लाह को नहीं पता होता कि ये होना है, और एक दफ़ा जब होता है तो फिर पता चल जाता, फिर वो हो जाता है उसकी फोर नॉलेज में कि ऐसा ही होना है। लेकिन आपने कई दफ़ा बोला कि अल्लाह को ऑल नॉलेज है, ही इज ऑल नोइंग। ऑल नोइंग का मतलब प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर का, फ्यूचर का उनको पहले से पता है। तो क्या इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है कि कोई कोई लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह का ऑल नॉलेज होने का ये नहीं मतलब कि आपका फ्यूचर उसको पहले से पता है, लाइक कुछ इस तरह का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए इस्लाम में, बल्कि इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट वही है कि ऑल नोइंग का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज पता है, इसलिए कि वो टाइम बाउंड नहीं है, टाइमलेस है। लेकिन इस्लामी तारीख में जो एक फिरका गुजरा है मोतजिला, तो मोतजिला के नज़दीक उनकी पोजीशन ये थी कि अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को उसके होने के बाद जानता है, यानी वो जो उस कुल्ली उसूल है जिनको हम यूनिवर्सल नॉलेज कहते हैं वो तो अल्लाह के पास है पहले से, लेकिन अगर यानी कोई वाकया हुआ है जो जुजी वाकया है जिसको हम पर्टिकुलर इंसिडेंट कहते हैं, वो उसी वक्त अल्लाह ताला जानेगा जब वो वाकया हो जाएगा। ये उनके नज़दीक है, किसके? मोतज़िला के नज़दीक। लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात ने इस मसले को, जो मेन स्ट्रीम मुसलमान है, उन्होंने इस मसले को बहुत आसानी के साथ पहले रिफ्यूट किया हुआ है। तो इस वक्त अभी है मुस्लिम कम्युनिटी में मोतज़िले? कम से कम जहां तक मेरी मालूमात है मोतज़िला के कुछ उसूल तो हैं जिनको गामिदी साहब फॉलो करते हैं, लेकिन इबादी फिरका है ना? नहीं, इबाजी फिरका जो है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खारजियों का एक ऑफ शूट है, लेकिन वो लोग इसका इंकार करते हैं, इबाजी भी खवारिज नहीं है। तो असल में वो खल्के कुरान को मानते हैं ना, तभी मैंने कुछ सोचा कि वो एक आध मसले में इत्तेफाक हो सकता होगा। ऐसे तो बहुत से मसाइल हैं कि जिसमें अहले सुन्नत का मोतजिला से इत्तेफाक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अहले सुन्नत मोतजिला होगा। जी तो फिर वो कॉन्सेप्ट है कि लॉ महफूज में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो इसको आप क्या लिटरल लेते हैं या मेटाफोरिकल, जिसमें क्या है कि कलम को कह दिया था कि लिखो तो कलम ने सारी हिस्ट्री लिख दी पूरी, लाइक हम तो लिटरल लेते हैं, मेटाफोरिकल अच्छा। नहीं लेते। तो लिटरल में बस फिर आप वही बोल कहते हैं कि कलम का क्या मतलब है, वो हम कैफियत नहीं बता सकते, लेकिन कलम मतलब कलम है, लेकिन उसको लिटरल लेते हैं। कलम कैसा है, वो क्या है, उसकी उसने किस तरह लिखा, जब अल्लाह ताला का इल्म हमारे इल्म से अलग है, उसकी जिंदगी और उसकी लाइफ हमारी लाइफ से अलग है, उसका सुनना और देखना हमारे सुनने और देखने से मुख्तलिफ है, तो उसका कलम भी हमारे कलम से अलग हो सकता है ना। ओके, तो लौह महफूज भी कोई एक एक्चुअल चीज नहीं है जिस पे लिखा हुआ है, वो भी एक चीज है जिसकी कैफियत हमें नहीं पता। हाँ, कैफियत हमें किसी चीज की नहीं पता जब तक कि अल्लाह ताला खुद ना बता दे हमें। हमारा काम सिर्फ उस चीज को पर ईमान लाना है कि लौह महफूज कोई चीज है, उसकी डिटेल में जाना वो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फिर मैं ये पूछूंगा, फिर अगर ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ पता है, तो ये कहना सही रहेगा कि अल्लाह ने इंसानों को बनाया ये जानते हुए कि ये बंदा दोजख में जाएगा, जैसे कि एक कोई बंदा है, अल्लाह को पता है कि ये इसको मैंने फ्री विल जब मैं दूंगा तो ये उसको इस्तेमाल करेगा और मुझे रिजेक्ट करेगा और फिर मैं इसको पकड़ के दोजख पे डालूंगा और फिर ये दोजख में जलेगा, तो ये जानते हुए भी कि ये बंदा दोजख के लिए मैं बना रहा हूँ, फिर भी अल्लाह ने उस बंदे को फिर भी बनाया, जबकि अल्लाह को पहले से पता था कि इसको मैंने पकड़ के दोजख में ही डालना है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने उसको दोजख के लिए बनाया। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या हमारी फ्री विल खत्म हो गई? नहीं, लेकिन हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में आएंगे ना। देखें, अल्लाह की कैटेगरी डिफरेंट है, उसकी वजह ये है कि हम आपसे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ बगैर किसी तशबीह के, कंपैरिजन तो हमारे यहाँ जायज ही नहीं है, ये बगैर किसी तशबीह के मिसाल है। वो इस तरीके से है कि जब हम डेफिनेट नॉलेज जो है वो एक उसूल तय कर दिया हमने कि डेफिनेट नॉलेज जो है वो किसी की फ्री विल को खत्म नहीं करती है। अब अल्लाह ताला जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानता है और उसकी वजह यह है कि वो टाइमलेस है, वो टाइम बाउंड नहीं है, हम टाइम बाउंड है,
तो अगर वो किसी के फ्यूचर को जानता है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी फ्री विल खत्म हो गई है, वो अपनी फ्री विल से ही जाएगा, जाएगा वो अपने अपने अमल के नतीजे में, अल्लाह के इल्म के नतीजे में नहीं जाएगा। रिजल्ट क्या है ये देखना, ये देखना। मैंने मान लिया कि वो फ्री विल की वजह से जाएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह जानता था कि वो ये फ्री विल इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से ये फिर दोजख में जाएगा, फिर भी अल्लाह ताला ने उसे फिर भी बनाया जानते हुए कि इसका इसको बेसिकली हमेशा हमेशा के लिए मैंने दोजख में तड़पाना है, फिर भी उसको बनाया। नहीं नहीं नहीं, ये उस सूरत में होता सही कि अगर वो फ्री विल ना देता मसलन, उसने जो है फ्री विल देने के बावजूद उसको पता था कि मैं इसको फ्री विल दूंगा, ये अपनी फ्री विल इस्तेमाल करेगा और फिर उस फ्री विल की वजह से मैं इसको दोजख में जलाऊंगा, ये अल्लाह को पहले से पता था, लेकिन फिर भी ये सारा जानते हुए भी फिर भी अल्लाह ने उसको बनाया, ये जानते हुए कि ये 70 साल की जिंदगी दुनिया में गुजारेगा, फ्री विल इस्तेमाल करेगा, उसके बाद इसको हमेशा हमेशा के लिए दोजख में मैं जलाऊंगा, ये अल्लाह पहले से जानता है, लेकिन फिर भी उस बंदे को फिर भी बनाया ये जानते हुए कि इसका मुकद्दर ये है कि ये हमेशा। तो अगर मैं बताता हूँ आपको मिसाल के तौर पर, अगर अल्लाह ये जानता कि मैं इस बंदे को ये बंदा जहन्नम में जाएगा, मिसाल के कोई भी बंदा हो सकता है वो, लेकिन बनाया ही उसने है ना। सुन लीजिए, मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए पीटर के बारे में अल्लाह ताला को बताया कि पीटर पैदा होगा और उसके बाद ये मरेगा 70 साल की उम्र में और उसको जहन्नम में जाना है, ठीक है। चलो, इसलिए पीटर के ऊपर मर्सी करते हुए हम पीटर को पैदा नहीं करते, ठीक, हम थोड़ी देरी के लिए मान लेते हैं। आप यही तो चाह रहे हैं ना, फिर अदल जब होगा कि जब फिर अल्लाह ताला उसको पैदा ना करे, राइट? एम आई राइट? नो, फिर नहीं आपके साथ। चले, इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ रहा हूँ। एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आपकी नहीं एग्जाम्पल लेता, मैं किसी और की लेता हूँ, जाहिर बात है। कोई बंदा है और उसने शादी किया, वो उसकी क्या कहते हैं प्रेगनेंसी होने वाली है, राइट? शादी हो गई, अब वो बच्चा पैदा कर, अब लेट्स से थॉट एक्सपेरिमेंट है कि वो बच्चा पैदा होने से पहले, वो यू नो जमा होने से पहले ही उससे अल्टीमेट ट्रू इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद ये सारी जिंदगी अजियत में जाए जिंदा रहेगा, ठीक है। उसको पहले से पता चल जाए 100% लाइक कंफर्म नॉलेज, ठीक है। अब अगर उसे पता चल जाए कि अगर मैं बच्चा पैदा करूंगा तो ये बच्चा अपनी सारी जिंदगी 70 साल तक टॉर्चर में रहेगा, क्या आप उस बच्चे को फिर भी पैदा करेंगे? नहीं, उसकी वजह यह है कि मेरे हाथ में इंसाफ और अदल का पैमाना नहीं है, लेकिन अल्लाह वही करता है, अल्लाह को पता है कि ये अगर मैंने, अब मैं आपको बता देता हूं, अब मैंने जो आपसे कहा, ठीक है, मैं उसी को कह रहा हूं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे बच्चे को दुनिया में आने देंगे, मैंने आपसे वही सवाल किया कि मान लीजिए खुदा को ये पता है कि पीटर जो है जहन्नम में जाएगा 70 साल रहकर, तो आप क्या चाह रहे हैं कि खुदा फिर पीटर को इस दुनिया में ना आने दे? आप यही चाह रहे हैं, जिस तरह आपने वालदेन की मिसाल दी, आप यही चाह रहे हैं ना कि वो पीटर को दुनिया में आने ना दे? नहीं रहा, मैं सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा हूँ इसके अंदर, एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीटर इस दुनिया में नहीं आया जबकि अल्लाह को ये पता था कि पीटर जहन्नम में जाएगा, तो फिर अल्लाह का इल्म किस तरह, किस बात का रहा? अल्लाह का इल्म तो खत्म हो गया ना। नहीं, तो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखें, ये जो आपका कहना है कि भाई इंसाफ, इंसाफ का ताल्लुक इल्म से नहीं है, आप किस चीज को गलत लिंक कर रहे हैं, इंसाफ का ताल्लुक इल्म से नहीं है, इंसाफ का ताल्लुक है फ्री विल से। नहीं तो मिसाल मैं और उसकी एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको कि एक आदमी के कैरेक्टर के बारे में आपको पता है कि भाई इसका कैरेक्टर ढीला है, ये सोसाइटी में रहेगा तो हरकत ही करेगा, लेकिन आप उसकी हरकत करने से पहले उसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल देते जब तक कि जुर्म ना वो कर ले, तब करते हैं। लेकिन ये फॉल्स, बहुत से लोगों के बारे में आपके, आप एक स्कूल के टीचर हैं मसलन, आपको पता है कि भाई इस स्टूडेंट को फेल ही होना है, ये इसने ना पढ़ कर दिया ना इसकी इसकी अटेंडेंस थी, इसके बावजूद आप ये नहीं कहते कि नहीं मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, तुम्हें तो फेल ही होना है। चले, मुझे एक मिनट दें, ये जो एग्जाम्पल आप भी देते हैं और बहुत से और मुसलमान भी देते हैं, टीचर का एग्जाम्पल दे देते हैं कि टीचर को पता है ये फेल हो, इसने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्जाम देते हैं, ये एनालॉजी जो है ये बड़ी फ्लॉड एनालॉजी है, क्योंकि टीचर omniscient और all powerful नहीं है। टीचर ने उस बच्चे को एक सेकंड, अच्छा, आप खुद contradiction करें तो कोई मसला नहीं है। अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर as a parent किसी को 100% पता चल जाए कि उसके बच्चे को अजियत ही होगी, तो वो इंसाफ का तकाजा ये कि उस बच्चे को आने न दे। अभी आप ये कह रहे हैं, मैं अब उसी को आप बदलकर टीचर की एग्जाम्पल पे ले आए कि टीचर को 100% पता हो कि ये स्टूडेंट जो है फेल ही होगा, तो क्या टीचर उसको एग्जाम में न बैठने दे? नहीं, लेकिन टीचर ने उस बच्चे को बनाया नहीं है ना। देखिए फर्क इधर आ जाता है, क्योंकि जब आप गॉड को इस सिनेरियो में डाल देते हैं ना, गॉड तो आपने फिर पेरेंट्स की एग्जांपल क्यों दी?
नहीं पेरेंट की मैंने पेरेंट्स पेरेंट्स भी तो बच्चों को नहीं बताते बनाते ना हमारी थियोलॉजी के अतबार से नहीं नहीं पेरेंट को जो है वो उसके पास चॉइस है कि वो बच्चा उस वक्त पैदा करे या ना करे उसका सेक्स होने से पहले अगर उसे पता चल जाए नहीं उसके पास भी ये चॉइस है कि वो सिर्फ अच्छे बच्चों को ले स्कूल के पास ये ऑप्शन होता है कि वो खराब बच्चों को निकाल दे नहीं लेकिन टीचर के पास ऑमनिशिएंट नहीं है ना ऑमनिशिएंट तो फिर वो पेरेंट्स भी नहीं है भाई वो फिर पेरेंट्स भी ऑमनिशिएंट नहीं है आप पेरेंट्स की एग्जांपल लाए क्यों नहीं इसलिए मैंने पेरेंट्स की लाई क्योंकि पेरेंट्स के एग्जांपल में बच्चे की बर्थ से पहले अगर आपका डीएनए टेस्ट करा के बता दिया जाए 100% के आपके पास ये जेनेटिकल डिफेक्ट है और अगर आपने बच्चा पैदा किया देन 100% वो बच्चा अपाहिज होगा और सारी जिंदगी सफर करेगा तो उसी को रिप्लेस करके हम टीचर की बात कर रहे हैं ना कि टीचर ने एक बच्चे की प्रोग्रेस को देखा और उसको 100% ये पता है कि इसको फेल होना है वो एक साल से उसको नहीं बल्कि 5 साल से देख रहा है तो क्यों उसको एग्जाम में बैठने दे रहा है वो बच्चों को एडमिट ही नहीं करेंगे जो बच्चे फेल वाले बंदे हैं उसको थोड़ी पता है कि ये बच्चा आगे 5 साल किस तरह स्टडी करेगा तो ये नहीं मैं कहता हूं कि एक बच्चा जो है 1 साल से आपके पास पढ़ रहा है और अगर वो फेल हो जाए तो बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है नेगेटिव तो उससे बेहतर ये है कि उसको कहा जाए भाई तुम एग्जाम में बैठो ही ना क्योंकि तुम्हें तो फेल होना ही है अब मुझे बताइए कि इस सिनेरियो में क्या टीचर ये गलत कर रहा है नहीं क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना फॉल्स एनालॉजी कहलाएगी और इसके अंदर जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है फॉल्स एनालॉजी तो भाई पेरेंट्स वाली भी है जो आप दे रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स क्रिएटर नहीं है और मुफ्ती साहब उसमें एक और इशू आता है पेरेंट्स वाले इशू में अगर मैं अर्ज कर दूं कि डॉक्टर आपने अभी के हिसाब से बोलेगा ना उसको क्या पता है कि 70 साल से पहले ही कोई मेडिसिन मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए लेकिन टीचर में आपने टीचर को ऑल पावरफुल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया जिसके अंदर उसके पास 100% क्रिएशन की पावर है अल्लाह के कैटेगरी के अंदर उसके पास क्रिएशन की पावर है इन द सेंस के जिस बंदे को वो पैदा जैसे हिंदू को पैदा कर रहा है वो जानते हुए कि पटेल को मैंने पैदा करना है इसने सारी जिंदगी अच्छा रहना है अपने बुत परस्ती करनी है जो भी करनी है लेकिन एंड में इसको मैं रोस्ट करूंगा सारी फॉर द फ्यूचर एवर लास्टिंग के लिए मैंने इसको रोस्ट करना है तो ये नॉलेज होते हुए भी अल्लाह उसको क्रिएट कर रहा है नोइंग कि भाई ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए बेसिकली क्रिएट किया क्योंकि ही नोस कि उसने अपना फ्री विल इस्तेमाल किया ये कहना कि ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए क्रिएट किया है ये आपका अपना असम्पशन और रिजल्ट है इसको ये आप सीधे जो है नतीजे के ऊपर आपने जंप लगा दी और ये नहीं देखा कि जहन्नम और जन्नत में जाना खुदा के इल्म की वजह से नहीं है बल्कि बंदे के कस्ब की वजह से नहीं बोल रहा मैं असल तो चीज वही है ना भाई अल्लाह का इंसाफ जो है कॉम्प्रोमाइज उस वक्त होगा कि अगर खुदा के इल्म की वजह से वो जहन्नम में जा रहा हो वो जा रहा अपने कस्ब की वजह से तो फिर इंसाफ का सवाल कहां रहा ये मैंने कहा ही नहीं कि वो अपनी वो अल्लाह की इल्म की वजह से जा रहा है ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है ये तो मैंने कहा ही नहीं मैंने कहा है कि फ्री विल इस्तेमाल करके दोजख में जाएगा मैं कह रहा हूँ अल्लाह जानता है कि मैंने जब इसे फ्री विल दूंगा ये अपना फ्री विल इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से फिर ये दोजख में जाएगा और उसको सारी जिंदगी हमेशा मैंने यहाँ तक आपके साथ हूँ उसके बाद उसने अल्लाह ने यह किया कि यार जब मुझे मालूम है कि जहन्नम में जाएगा अब इसको मैं पैदा नहीं करता तो उसका जो ऑल नोइंग एस्पेक्ट है वो तो खत्म हो गया जबकि वो ऑल नोइंग है नहीं नहीं ऑल नोइंग का है कि अच्छा और दूसरी बात ये है और दूसरी बात ये है कि वो अल हकीम भी है ऑल वाइज भी है और ये भी हम मालूम है कि उसके ऑल वाइज होने की वजह से इस दुनिया के अंदर कुछ जहन्नमियों का होना अरे यार ये बिल्ली आपको तंग है चलें ठीक है इस मैं ज्यादा तो उसका नहीं मैं इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला ऑल वाइज भी है और उसका विजडम इस बात का तकाजा करता है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खैर भी हो अगर हम आपकी इस थीसिस को मान लें ना तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ खैर होगा फिर अल्लाह ताला ये कहेगा भाई जो इंसान भी मुझे मालूम है जहन्नम में जाएगा मैं उसको पैदा ही नहीं करता तो सिर्फ नेक इंसान आएंगे फिर शैतान की क्या जरूरत हुई फिर इस दुनिया की बनाने की क्या जरूरत हुई फिर अदल की क्या जरूरत हुई अदल तो कायम ही जब ही होगा ना कि जब कुछ इंसान जहन्नम में जाएंगे हाँ तो यही तो इसी को देख के तो फिर मैं कहता हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन एडहॉक एक्सप्लेनेशन है एक चीज जो बनी हुई है अब उसको फिक्स करने के लिए नहीं वो हकीम भी है वो भी है अच्छा वो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कि जब आप हमारे ऊपर एतराज करेंगे तो खुदा के जो पूरा पैकेज है उसकी सिफात का उसकी जात का उसको लेकर होगा ना आप किसी एक वर्ड को लेकर तो नहीं कर सकते तो चेरी पिकिंग हो जाएगी हाँ तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप्ड ओवर अ टाइम है और इस तरह ऐसा नहीं है बल्कि आप जैसे अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं ऐसे ही मोतजिला ने दौड़ा है और उन्होंने सोचा कि यार खुदा को अलालीम तो कहें हम लेकिन ये उसका नाम है अलालीम लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑल नोइंग है बल्कि होता ये है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है जब खुदा को पता चलता है और उन्होंने उस कॉन्ट्रडिक्शन को इस तरीके से हल किया जबकि हमारी नजर में वो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं बल्कि अदल और इंसाफ का तकाजा यह है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खराब लोग भी हो और उसके लिए खराब लोगों का पैदा होना जरूरी है
ठीक है, तो यही मेरा मेरा भी यही आपका कहने का पता है कि आई अंडरस्टैंड कि एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है या इशू है जिनको मुतजलाइट ने फिक्स करने की कोशिश की, आपने उसको कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं माना और आपने उसको एडहॉक करके नहीं नहीं वो हकीम भी है तो वो अदल भी कर रहा है। तो भाई एडहॉक जब होगा ना, जब हम इंसान एडहॉक जब होगा, जब हम ये अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ाएंगे, कुरान तो मुतजिला के आने से पहले ये कह चुका कि वो अल हकीम और अल अलीम है। मोतजिला ने उसके अंदर एडहॉक किया, ना कि हमने एडहॉक किया, मोतजिला ने उसको माना को बदला, ना कि हमने बदला, हमने तो ओरिजिनल माना लिए। एडहॉक जब होगा जब हम इन चीजों का इजाफा करेंगे। चले ठीक है, मैं जो ये क्लैरिफाई करना था कि ये मुतजलत का पोजीशन क्या है और आप लोगों का पोजीशन क्या है। बट थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत।